नमस्कार दर्शकों, पायनियर हरियाणा में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं अनिका महेश्वरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और कल सावन का पहला सोमवार है। इसमें किस तरीके से पूजा विधि रहेगी और क्या क्या जो सामग्री है वो इस्तेमाल की जाएगी और सावन में भगवान शिव का जल अभिषेक करके किस तरीके से हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, इस बारे में हम आपको यथाविधि सारी चीज़ें बताने वाले हैं। सावन का महीना आज से शुरू हो चुका है और हिंदू धर्म में सावन के महीने का खास महत्व होता है। इस महीने में लोग भगवान शिव के लिए व्रत रखते हैं। कुंवारी लड़कियां भगवान शिव का व्रत करती हैं ताकि उन्हें मन चाहा वर मिले। वहीं सुहागन औरतें पति की अच्छी सेहत व लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की खास पूजा की जाती है। सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो शिव तत्व जो है निराकार तत्व है और जो शिवलिंग है वो शिवलिंग शिवलिंग नहीं है, वो जो है उसका चिन्ह है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। और सावन के महीने में पूजा करने का तात्पर्य है कि उनको जल चढ़ाना, तत्व के ऊपर जल चढ़ाना। आप एक पत्थर पर जल नहीं चढ़ा रहे, निराकार ब्रह्म पर जल चढ़ाते हो। एक बूंद आज जल भी चढ़ाते हो, एक बूंद जल चढ़ाने से हजारों बूंदों की बरसात वृष्टि होती है और हजारों बूंदों से वृष्टि होती है तो हरियाली आती है, जमीन प्रसन्न होती है, पंचतत्व प्रसन्न होते हैं। पंचतत्व प्रसन्न होने से सब संसार में सारा भय मुक्त हो जाता है। इसलिए शिव जी की पूजा करने से संसार ही नहीं भगवान भी प्रसन्न होते हैं और नर नारायण और एवं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तत्वों से संबंधित शिव है। तो शिव जी की पूजा सामान्य में इसलिए करनी चाहिए, सामान्य में सदैव करनी चाहिए। आपने देखा होगा अमर मंदिर के दरवाजे दरवाजे पर लिखा है मंदिर में के अंदर बिना मास्क के कोई नहीं आए, मंदिर में आने पर स्वयं दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर की बोतल रखी हुई है, सब सैनिटाइजर करें अपने आप स्वयं। पैर वाला सैनिटाइजर है, हाथ वाला भी रखा हुआ है। वैसे हमारे यहाँ समाज सब पढ़ा लिखा हुआ है, सब समझदार हैं, स्वयं खुद दूरी बना करके। और दूरी बना के रखोगे तो खुद भी प्रसन्न रहोगे और भी ठीक रहेंगे, आप तो ठीक रहोगे। सावन के सोमवार में नहीं, सारे सोमवार ही व्रत करना चाहिए शंकर जी का। सावन के सोमवार में विशेष महत्व बढ़ जाता है क्योंकि सावन में ही शंकर जी ने हलाहल विष को पिया था। तो हलाहल विष को पिया, वो भी उस दिन भी सोमवार था और त्रयोदशी तिथि थी, तो देवताओं ने गंगा जल से अभिषेक शंकर जी का किया। तो शंकर जी का अभिषेक किया तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। जिन जिन ने जल चढ़ाया उनको अमृत पिलाया भोले बाबा ने, और जिन्होंने जल नहीं चढ़ाया वो अमृत से छुत हो गए।